नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। पुंछ और राजौरी में इंटरनेट सेवाएं वापस से बहाल कर दी गई हैं, रिस्टोर कर दी गई हैं। संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। कल हमने आपको जानकारी दी थी कि पुंछ और राजौरी दो जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं, और ये सेवाएं बंद करने के पीछे वो जो मकसद लगा वो लगा कि शायद कोई माहौल खराब होने वाला है, माहौल खराब ना हो तो इसलिए प्रिकॉशनरी तौर पर ये स्टेप उठाया गया था। पीछे एडमिनिस्ट्रेशन का इसके ऊपर क्या तर्क है वो तो जानकारियां बाहर निकल कर नहीं आई, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि इंटरनेट सेवाएं जो है वापस से रिस्टोर कर ली गई हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सरफराज खान है पुंछ से। सरफराज जी। जी सर। अच्छा, इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गई हैं? बिल्कुल सर, जिस तरह से हमने जो है वो कल ही इसके ऊपर अपडेट की थी कि कल जो है वो रात के 12 बजे एसटी स्टेटस के जल नोटिफिकेशन के बाद जो है वो अध्यातन तौर पर इंटरनेट को यहाँ पे बंद कर दिया गया था। क्योंकि अगर देखा जाए, हमने कल भी बताया था कि राजौरी पुंछ में जो है वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के बहुत ज्यादा तादाद है, तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि शायद माहौल खराब हो सकता है, तो उसके बुनियाद पर जो है वो अध्यातन तौर पर इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी जस्ट फॉर कमिंग 5 बजे जो है वो लगभग मात्र 18-20 घंटे के बाद जो है वो फिर से राजौरी और पुंछ दोनों डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट की सेवा को जो है वो बहाल कर दिया गया है। नहीं तो जानकारी तो ये भी आ रही थी कि बीच में कोई 2G सर्विस जो थी रिस्टोर की गई थी। बिल्कुल सर, ये सुबह की ही खबर है, लगभग 9 और 10 बजे के दरमियान जो है वो 2G सर्विस को बहाल किया गया था, जिसमें सिर्फ व्हाट्सएप ही जो है वो काम कर पा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर उसको भी फिर से बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी जस्ट जो है वो 5 बजे के करीब जो है वो लगभग पूरा जो है वो 4G स्पीड जो है वो अब यहाँ पे बहाल हो चुकी है। तो इस समय किस तरह का माहौल है वहाँ पर पुंछ और राजौरी में? बिल्कुल सर, जिस तरह से देखा जाए, कल से ही जो है वो हम लगातार अपडेट इसके ऊपर दे रहे थे कि कल जो है वो थोड़ा सा कुछ कहीं अक्सर मकामात पर जो है वो इस तरह के जो है वो इंसिडेंट देखने को मिले, जहां पर प्रोटेस्ट के जो है वो काफी खतरात जो है वो लाग हो रहे थे। लेकिन आज का दिन जो रहा तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहा, इसमें कोई जो है वो किसी किस्म का कोई भी हमें इनपुट्स नहीं मिले कि कहीं पर कोई एहतजाज हुआ या कुछ हुआ। लेकिन इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब देखा गया कि माहौल जो है वो बिल्कुल पीसफुल है, उसके बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये निर्णय लिया है कि अब जो है वो इंटरनेट को बहाल कर दिया जाए। तो मतलब वहाँ पे धारा 144 तो नहीं लगी हुई है? नहीं सर, अभी तक जो है वो राजौरी और पुंछ की जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें जो है वो धारा 144 जो है वो नहीं लगी है। लोगों के कारोबार जो चल रहे हैं, बाजार चमके हुए हैं, लोग जो है वो अपने कारोबार के लिए आ जा रहे हैं, इसमें जो है वो कोई इस तरह का देखने को नहीं मिला। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया सर। तो इंटरनेट सेवाएं जो है वो बहाल कर दी गई हैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। माहौल जो है, आबो हवा जो है वो भी अच्छी है, जम्मू की आबो हवा भी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लगाई गई थी और जब से पहाड़ियों को एससी स्टेटस दिया गया है तब से ये सब हो रहा है। मतलब जब से पहाड़ियों को एससी स्टेटस वाली बात सामने आई है कि बिल पेश हो गया, तो अब कुछ लोगों के मन में पता नहीं क्यों भाव, कल भी हमने कहा कि सभी को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, कोई छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। एक समुदाय अगर ये कहता है कि सिर्फ मुझे ही अधिकार मिले, दूसरे को ना मिले, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है और ये संदेश भी गलत जाता है। बाकी आप इस खबर के ऊपर प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।